मैं मुनीषा इनके बारे में सुनता तो बहुत सालों से हूँ, और उसके बाद कैश की और इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर हमारा मिलना जुलना हो गया ज़्यादा पार्टीज़ में, इधर उधर हम लोग ज़्यादा इंटरेक्ट किया। तो मेरे कैश के जितने भी फ्रेंड्स हैं, तो सबसे ज़्यादा आई थिंक लवली पर्सन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी अच्छे नहीं हैं, लेकिन बोलते हैं जिसके साथ थोड़ी बहुत ट्यूनिंग होती है आपकी, और जिसके साथ वो वॉर्म्थ आपको मिलती है, तो आई थिंक मुनीषा इज़ वन ऑफ द पर्सन, लवली पर्सन आई फील। और मैं बताती हूँ, कृष्णा अगर मेरे कोई भी फ्रेंड्स का फोन उठाता है वो सिर्फ मुनीषा का है। हाँ, वो किसी और का कोई फोन नहीं मुझे उठाता। कितना भी मैसेज कर ले, मैं किसी से बात नहीं करता, इन्हीं से मैं बात करता हूँ। और इन्हीं के लिए खुश रहता हूँ, जब इनकी शादी हुई तब भी, और जितने भी बर्थडेज हैं, और चॉकलेट का तो मैंने आपको बता दिया। शूटिंग छोड़ के आया, बहुत बड़ी बात है। सच्ची बताऊं तो अभी तक मैंने टैरो कार्ड रीडिंग कराई नहीं है इनके इनसे। और दूसरी सच बोलूं तो अभी गाड़ी में आते आते मैं सोच रहा था कि मैंने कभी कराया नहीं, मुझे एक्चुअली कराना चाहिए। तो अभी एक दिन एक सेशन करेंगे हम लोग साथ में। नहीं, मेरी फिल्म नहीं है वो, पोस्टर मैंने एक्चुअली उस फिल्म का प्रमोशन किया है। अरे मुझे, मैंने सारे एक्टर्स के साथ काम किया, फिल्म भी देखी, वंडरफुल फिल्म। और उसके जो उसकी जो कास्ट है, जो हीरो एंड बोथ द हीरोइंस, मैंने उनके साथ गैग्स शूट किए थे और इतना मजा आया। दे ऑल आर वंडरफुल एंड आई रियली विश देम ऑल द बेस्ट। एंड स्पेशली अनुभव सर, अनुभव सर ने प्रोड्यूस की है, तो सेंसिबल रत्ना सिन्हा जी ने डायरेक्ट किया, तो डेफिनेटली कोई बात नहीं तो डेफिनेटली सेंसिबल सिनेमा बनाते हैं वो। मैं भी उनका फ़ैन हूँ और उन्होंने सेंसिबल फिल्म ही बनाई है। मैं चाहता हूँ कि फिल्म डेफिनेटली चलनी चाहिए। अभी हम जाए क्या ऊपर? अभी इनको काम पे चाहिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, क्या कर रहे हैं? चल हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, मैं फैमिली मेंबर हूं, मैं फैमिली मेंबर हूं, हैप्पी बर्थडे मुनीषा, हैप्पी बर्थडे। ये शो नहीं, दूसरा शो साथ कर लेंगे, लेकिन साथ में आएंगे कपिल और मैं साथ करेंगे, पार्टी करेंगे। अरे चल ना, एग्रीमेंट इश्यूज थे और कोई इश्यू नहीं।